बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल 2022 और फाइनेंस बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसके साथ में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनका हाँ सुनो, जिनका नाम लेने में भी सामने वालों को प्रशंसा तो नहीं करेंगे वो, लेकिन लगता है कि उनको वो डर लग गया है। जो बच्चों को सुनाते थे शोले फिल्म देखी थी उपसभापति जी, जिन्होंने भी देखी गब्बर सिंह आ रहा है, तो उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसको आज विश्व के अंदर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और जिनकी जो रेटिंग है नंबर वन पर है, लेकिन उनका नाम सुनने में भी हमारे विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो यशस्वी है। और यशस्वी इसलिए है कि उनके कार्यकाल में जितने भी बजट आए, दिशा निर्देश में जो बजट आए हैं 2014 से लेकर के 2022 तक, और जो वित्त मंत्री महोदय आए और मंत्री महोदया ने जो ये बजट 2022-23 का जो प्रस्तुत किया है, इसके अंदर प्रधानमंत्री का सोच इस तरह सोच कि देश के अंदर हो सकता है कि दिक्कतें आएं, चुनौतियां आएं, और चुनौतियां आई है जिनकी मेरे पूर्व सांसदों ने अच्छी तरह से पूरे विस्तृत रूप से आपको बताया है। मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण ये रहा मेरा सामान्य मानवीय, जो लेमेन है, जो गांव गरीब और मजदूर और किसान है, महिला है, युवा वर्ग है, उन लोगों को दिक्कत नहीं हो, माइक्रो लेवल से हम बढ़े, मैक्रो लेवल पर जाएं, लेकिन उसके अंदर जो गरीब है, मध्यम क्लास है, उसको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो माननीय उपसभापति जी, पिछले बजटों में आपने देखा और ये जो बजट आया, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ये कल्पना नहीं थी कि इतनी महामारी के बाद में, इतना पेंडेमिक, जिस भारत के पास में रिसोर्सेज नहीं थे, 135 करोड़ जनसंख्या थी, और वो महामारी को भी कैसे ये इसका मुकाबला करेंगे, बहुत सारी चुनौतियां थी महामारी के दौरान, सुनामी भी थी, पड़ोसी देशों की भी जिस तरह का माहौल था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 की तीसरी लहर तक को जिस तरह से संभाला, पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन आपने जैसे माननीय सुशील मोदी जी ने कहा, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच दूरदृष्टा थी कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा हमारी जनहानि नहीं हुई, वरना तो 100 साल पहले जिस तरह का महामारी आई थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन करोड़ों में लोग खत्म हो गए थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, महामारी के दौरान आपने देखा 5 मिनी बजट इस देश के अंदर प्रस्तुत किए गए, हालात नहीं थे, और उसमें अंदर ध्यान किसको रखा गया, उस गरीब, उस मजदूर वर्ग को, और आज कम कुल मिलाकर के देखें तो उस समय 2,68,000 करोड़ गरीब लोगों के लिए, उनको रोजी रोटी के लिए, उनके साथ में वो भूखा नहीं जाए, 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न दिया गया, ये छोटी बात नहीं है, 80 करोड़ लोगों को जो हमारे सोर्सेज है उसमें से निकाल करके अगर 2.68 लाख करोड़ उसके अंदर देते हैं, और अभी अभी जो माननीय मोदी जी ने जिस तरह का सितंबर तक जो योजना लागू की गई है उसके अंदर मिलाए तो 3 पॉइंट समथिंग करोड़ उसके लिए होता है ये सितंबर तक, कि मेरा जो गरीब की कहते हैं कि गरीब यहाँ भुखमरी में मर रहे हैं, महंगाई से शोर है, आज गरीब महंगाई के लिए नहीं चिल्ला रहा, आज वो लोग चिल्ला रहे हैं गरीबों ने जिनको बिल्कुल ठुकरा दिया है, गरीबों ने नकार दिया है, उन्होंने देखा है कि 60 वर्ष के अंदर दशकों से 1947 के बाद में गरीबों का नारा दिया, किसानों का नारा दिया, महिलाओं का सशक्तिकरण का नारा दिया, युवाओं को रोजगार देंगे, इन सब चीजों को वो झुमेले उनके थे, इसका रिजल्ट क्या आया देश के अंदर उनके कार्यों के कारण से। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे,
माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए स्वच्छ डेमोक्रेसी के अंदर, हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर। अगर डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सही नहीं चलेगी। लेकिन हमें दुख इस बात का है, हमारे विपक्ष के लोग झूठ पर झूठ बोल करके अपनी पाठशाला में ऐसे झूठे तैयार करते हैं। आप प्लीज मैं माननीय उपसभापति जी आपसे संरक्षण चाहूंगा। अगर मेरे फिगर में बोले दीजिए प्लीज। देखिए मेरा टाइम बहुत कम है, इसको एक्सक्लूड कर दें आप। मैं किसी के लिए प्रति नहीं करा, लेकिन वास्तविकता है उसको अगर आपने नहीं देखा तो निश्चित है कि आने वाले समय में आपके लिए कोई चांस नहीं रहेंगे। ये देश बड़ा समझदार है, आज आपने देखा बेरोजगारी कैसे दूर होगी। आज इस बजट के अंदर हमारे दोनों एप्रोप्रिएशन जो बिल के अंदर जिस तरह का अमाउंट है, जो 1 अप्रैल से हमारे मंत्रालयों के माध्यम से जो आवंटन होगा और जो विकास कार्य होंगे पीएम गति शक्ति के माध्यम से, उन सात इंजनों को सात सेक्टरों को जोड़ा है। माननीय उपसभापति जी सामने बैठे हैं एक टोकी मत करो प्लीज। माननीय उपसभापति जी रिकॉर्ड्स विल बी वेरीफाइड एंड एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। नहीं नहीं आप सुनिए, रिकॉर्ड्स विल बी वेरीफाइड। माननीय सांसद महोदय आप सुनिए, मैं आपकी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस महामारी के बाद ये ठीक नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस गति से बढ़ाया है 7.52 लाख करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर उसके अंदर स्टेट फाइनेंस असिस्टेंस और ग्रांट को इंक्लूड करते हैं तो 10.68 लाख करोड़ हो जाता है। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ता है कैपिटल असेट्स बढ़ती है तो मल्टीप्लाई जॉब होंगे और उससे जॉब क्रिएशन होगा। इतना ही नहीं, पीएलआई स्कीम के माध्यम से हमने सिद्ध किया है, पहले 10 सेक्टर को लिया था अब 14 सेक्टर को लिया है, और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसके कारण से आपको मैं बता रहा चाहूंगा, समय नहीं है, डाटा है कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं। हम पब्लिक सेक्टर को भी इन्वाइट कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और टैक्सेशन की बात अगर हम करते हैं तो टैक्सेशन का जितना इंप्रूवमेंट इस 7 साल के अंदर टैक्सेशन में हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, कॉरपोरेट जगत को राहत देना, मैन्युफैक्चर को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, डिमांड के अनुसार से सप्लाई होना, टैक्स को कम करना जरूरी था और इनकम टैक्स में इंडिविजुअल व्यक्ति पर भार नहीं पड़े। इस महामारी के बाद में भी 2 वर्ष के अंदर उसके अंदर 0% कहीं उनको टैक्स को नहीं बढ़ाया जाना, जबकि मेरे पूर्व सम्मानीय वक्ताओं ने उपसभापति जी उल्लेख किया है जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने 30% से लेकर के 50% तक टैक्स बढ़ाया गया है। ये हमारी ये सूझबूझ, ये प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश और वित्त मंत्री महोदय का वो कार्य अभी है, सब टाइम है मेरा, वो भी वो जो टाइम डिस्टरबेंस किया वो भी इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे आप। मैं अपनी बात को जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी पे बहुत बड़ी बात हो गई है, जीएसटी का जो कलेक्शन जिस गति से बढ़ रहा है, महंगाई पर मैं आ जाता हूं, महंगाई पर बहुत आपके पास में एक ही है कि महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब नहीं मर रहा, गरीब को तो राज भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, गैस भी दी जा रही है, और गरीब के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसके लिए रोजगार के लिए जो छोटे धंधे एमएसई क्षेत्र के लिए उसके लिए भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये बात करना चाहता हूं कि पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, मैं उनको याद कराना चाहता हूं 2004 के बाद में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी और जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने जा रही थी, उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की थी, ऑयल बॉन्ड्स को उन्होंने रॉयल बॉन्ड जारी किए थे, और आज करीब 1.5 लाख करोड़ जो ऑयल बॉन्ड की जो कीमत और आज डबल से ज्यादा हो गई, ये सरकार उसका ब्याज भी चुका रही है। इस तरह से हम नहीं कहते कि हमारा व्यक्ति या हमारी संस्थाएं यानी फाइनेंशियल मैटर से वो बिल्कुल कंगाल हो जाए, बल्कि हम ये नहीं चाहते मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है वो गरीब के लिए जरूरी है।
लेकिन इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि आप पैसा और पैसा भी दिया हमने। मैं आपको माननीय सभापति जी, बस विदिन माई टाइम मैं अपनी बात को खत्म करूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आरबीआई का मॉनेटरी इन्फ्लेशन रेट कैसे कम नहीं हो रही, आपके जमाने में डबल डिजिट थी, उसके बाद में हमारा सिंगल में आया, महामारी के दौरान मैं मानता हूं कि 11% हो गई, लेकिन आज जिस तरह का हमने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर करीब करीब 3 लाख करोड़ का जो हमने इंक्लूजन किया है और जिस तरह से एनपीए को कम किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम में रेपो रेट के माध्यम से, ओपन सिक्योरिटी के माध्यम से और जो उन्होंने सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से जो पॉलिसी के तहत उन्होंने जो कंट्रोल किया, मुझे उम्मीद है कि हम 6% से भी डाउन जाएंगे, ये रिकॉर्ड होगा हिंदुस्तान का पूरे विश्व के अंदर में। मैं इसी के साथ मैं आपको करना चाहता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर जो आरबीआई एक्ट 1934 में जो अमेंडमेंट किया है उसको लेकर के कहीं भ्रांति होगी, देश के अंदर डिजिटल को एक नोट के रूप में जानने के लिए कोई प्रावधान अड़चन नहीं डाले और आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के अंदर डिजिटल करेंसी होगी और करेंसी के साथ में जिस तरह का क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिसीजन लिया गया है और वो 30% है। मैं तो ये अनुरोध करना चाहूंगा, सदन को भी समर्थन करना चाहिए कि रेगुलेशन भी बनेंगे, बिल भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए 50% भी अगर टैक्स लगाते हैं तो उसके लिए किया जाए। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का साथ दे और आज जो एक गरीब वर्ग के लिए जो उत्थान के कार्य कर रहे हैं उनमें सपोर्ट करें, आप अच्छा नाम नहीं लगेगा, अच्छा दुनिया को लगेगा, आने वाली पीढ़ियों को लगेगा और गरीब उनको भगवान के रूप में पूजेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।